Hi, this is News Amuse. I'm Sohini and today we are discussing daily products. This is a Demita spoon, aka Chota Chamach. We all have that favorite spoon that we just cannot seem to have any meal without. Well, this is not that. In fact, far from it. Demita spoon is used for working with small proportion like mixing sugar in tea or coffee. Spoons in general are used for scooping and transferring food from one place to another, and some special person decided to give that same purpose to this piece of metal that I'm holding right now. I'll talk about the potential challenges. First, let's talk about proportion. Every spoon has a very simple bowl to handle ratio. Bowl ये वाला पार्ट होता है और हैंडल इसका लंबा वाला पार्ट होता है जिससे हम इसको होल्ड करते हैं, which nears up to 2:5. This is to maintain their center of gravity while holding and user's ease of use. We can check the same for this one. तो क्योंकि 2:5 होता है और अगर हम इसके प्रोपोर्शन देखें, as you can see कि इसका जो प्रपोर्शन है इट्स नॉट इवन 2:5, इट्स प्रोबेबली मोर देन हाफ एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रिम ऑफ द बोल. इट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ लीविंग अ कट इन योर माउथ आफ्टर यूजिंग मोर देन अ पेपर एज एंड दैट सेज अ लॉट. लेट्स लुक एट द एज ऑफ द हैंडल. व्हेन आई एम होल्डिंग दिस, क्योंकि ये इतना छोटा है और ये डेमिटा स्पून है, इट नेचुरली डिग्स इन टू माई स्किन. और क्योंकि जो बनाने वाला है उसने ये नहीं सोचा होगा कि मतलब एक्चुअली कोई यूजर कैसे हैंडल करेगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये यूजर को पोक करे यहाँ से. इट्स नॉट अ सेफ डिजाइन. अगर हम घरेलू नजरिए से भी देखें तो इस स्पून के हैंडल में एनग्रेविंग है. एनग्रेविंग काम आती है ग्रिप के लिए, ताकि स्पून एकदम से स्लिप ना करे यूजर के हाथ से. उसको बनाने का भी एक तरीका होता है. यहाँ पे एनग्रेविंग थोड़ी सी ज्यादा है या कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, तो उससे क्या होता है कि इसमें मैल बहुत जल्दी घुसता है और फिर इसको साफ करने जाए तो फिर वो मेटल को ही स्क्रेप कर देता है, तो एक तरीके से मेटल भी डैमेज हो जाता है. तो हाइजीन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए. तो अगर इस स्पून को मुझे रीइमेजिन करना हुआ तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले जो मैंने पोटेंशियल चैलेंजेस में पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, मैं उन पे फोकस करती हूँ. सबसे पहला वाला था प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन के लिए ये स्पून है और ये इसका हैंडल है, तो मे बी मैं हैंडल को इलोंगेट करना चाहूंगी थोड़ा सा कि इसका ये जो 2:5 का रेशियो है वो मेंटेन रहे. हैंडल हो, अगर हैंडल बड़ा नहीं होगा तो इसको छोटा कर सकते हैं. इधर वे हमें ये इस पे फोकस करना पड़ेगा. चलो ठीक है, ये प्रोपोर्शन की बात हो गई. अब शेप और फॉर्म की बात मेरे को लानी थी, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इसका जो रिम है वो बहुत ज़्यादा शार्प फील होता है लिप्स पे, तो वो क्यों होता है? यहाँ पे दो आइडियल सेट ऑफ स्पून्स है जिसको हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मतलब ये कैसे इसका फॉर्म हमें सूट करता है. तो ये जो दोनों स्पून है, ये एक डेमिटा स्पून और एक रेगुलर स्पून है, इन दोनों को देखो तो इन दोनों का जो बोल का प्रोपोर्शन है इट काइंड ऑफ फील्स इक्वल. अगर हम ऑफसेट में भी देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके प्रोपोर्शन बोल के सेम है. अगर मैं सेम एक और डेमिटा स्पून को ले आती हूँ और इसके साथ प्रोपोर्शन कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम एकदम से हाईलाइट हो रही है कि इसका जो चेंज है वो इतना ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि ये इलोंगेटेड है तो ये इतना शार्प नहीं है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि ये एक कट कर सके किसी और को. तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म का यही रहेगा कि मैं जो स्पून के इसको है ये और थोड़ा इलोंगेट करूं, ऑफ कोर्स प्रोपोर्शन मेंटेन करते हुए. इलोंगेट करना एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. अब मैं आती हूँ इसके एज पे. तो एज जैसे मैंने बताया इसका बहुत ही पुअरली डिजाइंड है
और ये हमेशा लगता है। सबसे अच्छा सोल्यूशन अगर आप देखो यू स्पून में यहाँ पे राउंड कर रखा है, तो टू मेक इट राउंड इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लास्टली ग्रिप पे आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एनग्रेविंग ग्रिप के लिए होती है, तो अगर आपको ऐसी एनग्रेविंग जो अनहाइजीनिक सर्कमस्टेंसेस को और ज्यादा परपेचुएट करे, अगर ऐसी एनग्रेविंग नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम इसी का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे इसके ऑफसेट में ही ऐसा दे रखा है ताकि ये एक तरीके का ग्रिप मेंटेन कर सके। और अगर हम वैसे भी इसका फॉर्म देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ से एक ऑर्गेनिक शेप ले रहा है, ये भी ले रहा है, पर ये इसका थोड़ा और एक्सट्रीम है, इसका कर्व सटल है। अगर हमें कर्व जो है उस पे अगर हमें फोकस करना है तो हम कर सकते हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी है। पर एक और सोल्यूशन ये है कि अगर हम ऐसे एक स्पून बना रहे हैं तो हम बीच में एक लाइन दे दें, ये थोड़ा बीच में नहीं है पर यू गेट माय पॉइंट, इस बीच में एक ऐसे फोल्ड सा दे दें, तो ये कुछ साइड व्यू से ऐसे देखने को होगा स्पून का। इस ग्रिप से क्या होगा, इस डिविट से क्या होगा, इसको होल्ड करने में इजी होगी, और क्योंकि ये इतना सटल होगा तो पता नहीं चलेगा। जब आप बाजार में जाते हो और आप इस तरीके का स्पून देखते हो और आपको लगता है कि आपको खरीदना चाहिए, आप सिर्फ चार चीजें दिमाग में रखिए, उसका फॉर्म, उसका मटेरियल, हाइजीन मेंटेन हो सकती है कि नहीं, और सेफ्टी। इन चारों चीजों से भी आप अपने लिए एक अच्छा स्पून ले सकते हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करें और वो आपको उस तरीके का यूज भी दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। तेरे को पता है चम्मच से रिलेटेड एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है जिसको ग्राइंडर्स डिजीज कहते हैं। हाँ, इसको घिसते हुए जो भी मेटल का पार्टिकल ऐसे हवा में निकलता है वो लंग्स में जाके सिलिकोसिस दे देता था पहले, और इसको ग्राइंडर्स डिजीज कहते थे। दैट वॉज रियली नास्टी, इट्स लाइक सिलिकोसिस, जैसे वो क्वारीज में जैसे अभी जो लेबरर्स को होता है वैसी कंडीशन उनको होती थी। थैंक गॉड दे आर फार फ्रॉम इट, क्योंकि अब स्पून अलग तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं, पर तब बहुत ज्यादा डेंजरस था।